Hello and welcome back. अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल फ्रॉम द टॉपिक इक्वेशंस. क्वेश्चन दिया है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी. तो सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज x, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 899 से, तब हमें दिया हुआ है द रिमाइंडर इज 3. अब सपोज इसका कोशेंट है y, सो x माइनस समथिंग विल गिव यू द रिमाइंडर एंड दैट रिमाइंडर इज 63. नाउ वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू द कोशेंट इनटू डिवाइजर या डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस द रिमाइंडर. ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे. सो देयरफॉर डिविडेंड इज एक्स इज इक्वल टू कोशेंट इज वाई डिवाइजर इज 899. सो दिस इज वाई इनटू 899 प्लस द रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 63. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट दिया है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी. अब सेम नंबर को हमें 29 से डिवाइड करना है, यानी x को हम डिवाइड करेंगे 29 से. एंड सपोज द क्वोशेंट इज q एंड यहाँ जो रिमाइंडर है से इट इज r. सो देयरफॉर अगेन यूजिंग दिस रिलेशन वी गेट x इज इक्वल टू q इनटू 29 प्लस r. अब x की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो इसे हम लिख सकते हैं as 899y plus 63 is equal to, और यहाँ हम लिखते हैं 29q plus r. तो इसे हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. सो 899 is a multiple of 29, लेकिन 63 नहीं है. सो ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है 29 से, लेकिन 63 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 58 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 29 प्लस 5 इज इक्वल टू 29 टाइम्स q प्लस r. नाउ इन दोनों में अगर हम 29 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं तो यहां आ जाएगा 31y प्लस 2. So this is completely divisible by 29, right? 29 का मल्टीपल है ये, plus 5 is equal to 29 times q plus r. अब दोनों तरफ देखें अरेंजमेंट सेम है, यहाँ भी 29 का मल्टीपल है, इधर भी 29 का मल्टीपल है, यहाँ रिमाइंडर r है और यहाँ पर रिमाइंडर है 5. सो अगर हम बोथ साइड्स कंपेयर करते हैं तो वी कुड से r इज इक्वल टू 5. एंड ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी.